स्वागत है मेरे एक और नए वाले व्लॉग में। तो गाइस फाइनली मेरे व्लॉग की जो है शुरुआत हो चुकी है और मैं पता है डेली सोच रही हूँ ना आपके साथ कनेक्ट रहूँ, आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया रेसिपी दूँ, पर यकीन मानो ना कंफर्म हो ही नहीं पाता मेरा कुछ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग जो है ना स्टार्ट करते हैं। आई होप गाइज आप बहुत अच्छे होंगे एंड आपका दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। सेकेंड बात की ईद मिलादुन नबी आ रहा है, बहुत प्यारा माशाल्लाह से दिन आ रहा है, बहुत खूबसूरत सा दिन आने वाला है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ना एक पाकिस्तानी ड्रेस ऑर्डर कर दी हूँ और उसकी डिलीवरी होते साथ ही जैसे ही मेरे घर पे वो डिलीवरी करके जाएंगे डिलीवरी वाले, मेरा पाकिस्तानी सूट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस बार मैंने कौन सा पाकिस्तानी सूट ना मंगाया। ना मुझे एक बात करनी थी, मुझे ना बहुत टाइम से एक पता नहीं कोई तो कमेंट आ रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो है ना जोहान मेरा बेटा है, तो मैंने उनको बोला भी था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताती हूँ। मैंने उनका बहुत सारा कमेंट की तो मैं आपको बता दूँ, जोहान मेरा बेटा नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं कितनी बार बोलूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी तक अनमैरिड हूँ। जोहान मेरे भाई का बेटा है, मेरा भाई ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। जीशान जोहान किसका बेटा है, जोर से बोल जोर से। जोहान मुस्कान और जीशान का बेटा है, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है वो उनका चाइल्ड है। ये बात अलग है कि जोहान बचपन से मेरे पास रहा है, मैं जोहान को मतलब बहुत ज्यादा एकदम बोलते ना मेरे से अटैच है, मैं पालती हूँ और माशाल्लाह जोहान आजकल मेरे पास बहुत ज्यादा रहता है। मुस्कान इस वक्त हमारे घर पे नहीं है, मुस्कान अपनी बहन की शादी इंजॉय करने के लिए गई है, उसका मतलब अपनी मुस्कान गई है अपने मैके। और कोई की भी बहन की शादी हो, मेरी हो, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया कि मेरी बहन शादी में इंजॉय करूं, और माशाल्लाह हमारी फैमिली कोई ऐसी नहीं है, सब माशाल्लाह अपनी जिंदगी अपनी लाइफ इंजॉय करो, कोई किसी को रोक टोक नहीं है। और जोहान ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, जाता है मॉर्निंग से, क्योंकि मुस्कान इधर ही 1.5 किलोमीटर दूर पे ही गई है, और मुस्कान का मन करता है तो मुस्कान आ जाती है, जोहान का मन करता है तो जोहान चला जाता है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात मैं अभी मैं कैसे बताऊं, मुझे कुछ हंसी आ रही है, मैं उनको इतनी बार कमेंट कर चुकी हूँ। मैंने 1000 मेरे जब सब्सक्राइबर हुए थे तभी भी मैंने क्वेश्चन आंसर बनाई थी, तभी भी मैंने उनको कहा था मतलब उनको नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि जोहान कौन है आपका बेटा है कि क्या है क्या नहीं है, तभी भी मैंने आंसर की थी कि जोहान मेरा बेटा नहीं है, बट मेरे बेटे से बढ़कर है जोहान, क्योंकि मैं पाली हूँ जोहान को बचपन से और अभी तक जोहान जो है ना वो मेरे पास ही रहता है। चलिए आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन मसाला कोफ्ता, जो बड़ी लजीज होती है रेसिपी, मेरी जरूर ट्राई करना, एकदम झटपट से बनाऊंगी और मैं जितना भी हो सके ना आपको इजी मेथड से जो है ना रेसिपी देने ट्राई करती हूँ कि आप है ना इजी मेथड से जो है ना खाना बनाए। तो आज की जो रेसिपी है वो है मेरी मटन कोफ्ता, चिकन मटन से भी कभी कभी आपको मैं बनाना बताऊंगी, पर आज मैं चिकन कोफ्ता मसाला बनाने वाली हूँ। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और जोहान जो है मेरा वो बैठ के यहाँ पे मस्ती करा हुआ है। जोहान आजकल जोहान ना सिर्फ और सिर्फ अपने में बिजी रहते हैं, आजकल उसको किसी का होश नहीं रहता है। पापा जोहान, मम्मी बुला रहे ना, मम्मी बुला रहे ना बच्चे को। अच्छा जोहान इधर देखो, जोहान नहीं वो अपने में बिजी है, तो चलिए उसको छोड़ते, थोड़ा वो खेलेगा और हम जो है ना जल्दी से जाके बोनलेस चिकन लेके आते हैं। तो गाइज मैं बना रही हूँ आज चिकन कोफ्ता, और बहुत ही स्पाइसी और बड़ा मजे का बनता है, तो उसकी ग्रेवी भी बनाऊंगी साथ में, तो पूरा व्लॉग लास्ट तक देखना। चिकन कोफ्ता बनाएंगे सबसे पहले, तो इसके लिए चाहिए हमें बोनलेस चिकन। ये मेरी है ना 300 से 350 ग्राम के जितनी सी बोनलेस है, हाथों की मदद से पूरा पानी निकालना है, बिल्कुल पानी है ना जो हमारे चिकन में रहना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं मिक्सर का जार यूज कर रही हूँ, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे चिकन ऐड कर देंगे हमारी, फिर उसके अंदर हमें अभी मिक्सर में पीसने के लिए साथ में चाहिए एक बड़ी साइज की प्याज, और यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिल्ली ली हूँ, एक स्पाइसी वाली चिल्ली ली हूँ, यहाँ पे दो मैंने अक्खा लाल मिर्चा ली हूँ, ठीक है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, और दो सिलेस पाव ली हूँ। अगर आपके पास सिलेस पाव नहीं है तो आप ब्रेड का भी यूज कर सकते हो, इसे पानी में भिगो दी हूँ। इन सारी चीजों को आपको चिकन के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने मिक्सर में कितनी अच्छी तरीके से जो है ना कबाब का कीमा पीस ली हूँ कोफ्ते का, यहाँ पे देख लो इसको मैंने एकदम थोड़ा थोड़ा करके पीस ली हूँ, अगर एक साथ ना होना तो आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पीस लो,
अब इसको क्या करेंगे, पहले तो हम अच्छे से निकाल लेंगे एक बाउल में खाली करके। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा मिक्सर में से जो है ना चिकन को अच्छे से साफ करके हाथों से जहां जहां पूरा चिकन था निकाल ली हूँ। अब इसके अंदर डालेंगे हम एक चम्मच के जितना तेल, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत कम डालना है, एक चम्मच के जितना। तो यहाँ पे देखो मैंने तेल ऐड कर दी हूँ, तेल इसके लिए क्योंकि चिकन जो है हमारा चिपचिपाता है तो वो अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, धनिया भुक्की, लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला लियो, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च और यहाँ पर मैंने लियो आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मसाले डालने के बाद अब क्या करना है आपको, जो कोफ्ते का कीमा है उसे इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से हाथों से ही मिक्स करना है, ठीक है, ताकि मसाले जो है ना चिकन में खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, वरना जो है ना आपके कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। तो क्या करें आप, पहले इस तरीके से हाथों से पूरा जो कीमा है ना उसे क्या करें मिक्स कर लें, ताकि सारे मसाले ना कोफ्तों में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, इसी तरीके से क्या करना है आपको मिक्स करना है, और पानी जरा भी नहीं पड़ेगा आपको, जरा भी पानी इसमें यूज करना है ही नहीं, बस इसे हाथों से क्या करना है इस तरीके से मिक्स करना है। तो अब आपको क्या करना है, हाथों में लगा लेना है तेल, तेल ही यूज करना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सीख बनाए या कोई भी चीज बनाए आपको हाथों में तेल लगा लेना और इस तरीके से ना लोई बना लेनी है ये कबाब की शक्ल में। और यहाँ पे जो है ना मैं एक प्लेट में पहले तो स्टोर करते जा रही हूँ। इसी तरीके से क्या करना है आपको, सारे कबाब बना के ना जो ले लेना है, पहले आप कबाब बना के रख लोगे ना बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी ये आपको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी मेथड से बन जाता है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता इसे बनने। ये इस तरीके से रख ले और बस ये क्या करे आप कबाब को कोफ्ते को एक प्लेट में इस तरीके से सजाते जाए। तो यहाँ पे देखो मैंने ना पूरा चिकन के जो कोफ्ते के बाउल थे वो रेडी कर ली। थोड़ा यहाँ पे मैं आलू भी यूज कर रही हूँ, तो आलू को मैंने इस तरीके से कट कर लिया और ये बिल्कुल भी बॉयल नहीं है, कच्चा आलू है। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई में ऐड कर देना है तेल, और तेल ऐड करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपको ना आलू फ्राई कर लेना, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आप आलू ऐड कर दें और इसे थोड़ा हल्का सा लाल फ्राई करें, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ा आपको गोल्डन कर लेना है, ये देखिए। और आपको क्या करना है, दो से तीन मिनट से अच्छे से क्या करना है फ्राई कर लेना है। ये देखो खाना बनाने के टाइम छोटी सवारी आ गई है किचन के अंदर, जोहान। और जोहान की हम लोग ने आज बहुत सारे मार्केट से कपड़े लाए माशाल्लाह से, और यहाँ पर देख लो ये देखो, हाँ बस मस्ती चालू। चलो बाहर जाओ, आप हॉल के अंदर जाओ जोहान, जाओ बाबू। देखो नहीं चील पुका अरे टूट जाएगी गाड़ी टूट जाएगी। तो माशाल्लाह से देखो आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, और आलू है ना थोड़ा फ्राई करके ऐड करो ना तो टेस्ट जो बोलते हैं ना वो बहुत अलग ही आता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने आलू को जो है ना फ्राई कर ली हूँ, और अब इसे मैं क्या करेंगे हम चिकन फ्राई करेंगे। अब वही तेल में है ना जो मैं एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपने कोफ्ते ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और इसे मैं क्या करूँगी, हाई फ्लेम पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल सिर्फ दो से तीन मिनट लगते हैं, कोफ्ते बहुत मज़े के जो है ना फ्राई हो जाते। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, सारे कोफ्ते ऐड कर दे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें ज़रूर, ताकि अल्लाह पाक खाने में बरकत दे, और उसके बाद आप जो है ना ये कोफ्ते फ्राई कर लें। तो बस इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, सारे कोफ्ते ऐड करके दो से तीन मिनट फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखो माशाल्लाह से एक साइड से कोफ्ता जो है ना बहुत अच्छे से कुक हो गया है, इसे आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से पलट देंगे और सेकंड साइड से भी ना अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि माशाल्लाह ये एकदम बेहतरीन सा रेडी हो जाए। ये देखिए, तो आप क्या करें माशाल्लाह से इसे इस तरीके से हल्के हाथ से, हाँ बहुत ज़्यादा हाथ आपका हैवी नहीं होना चाहिए, एकदम लाइट हाथ से क्या करें इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए जो है ना सेकेंड साइड को आपको कुक करना है। कोफ्ते बिल्कुल फूटने नहीं चाहिए, इसलिए बहुत इत्मीनान रखनी है, और इत्मीनान से क्या करना है आपको कोफ्ते को अच्छी तरीके से कुक करके लेना। तो माशाल्लाह से कोफ्ते हैं जो हमारे रेडी हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको आहिस्ता आहिस्ता करके निकालेंगे, ताकि बिल्कुल भी फूटे ना। और मैंने वही प्लेट में निकाली हूँ जिसमें मैंने कोफ्ते बना के ऑलरेडी रखी थी, तो आप इस तरीके से आराम से क्या करें कोफ्ते जो है ना निकाल लें यही प्लेट में। तो माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते देखो कितने मज़े के रेडी हो गए हैं, और हमारा आलू भी जो है फ्राई हो चुका है। अब चलते हैं मेन इसकी जो है ना ग्रेवी बनाने, वही कढ़ाई लेना है आपको,
वही सेम कढ़ाई लेना है आपको और उसके अंदर ना इतनी बारीक प्याज होनी चाहिए, प्याज आपकी बिल्कुल मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम है या बोलते ना इतनी बारीक नहीं हो रही तो पेस्ट बना लो, पेस्ट बना के यूज करेंगे ना तो भी चल जाएगा। तो तेल में क्या करें आप प्याज ऐड कर दें, तो यहाँ पे जो है ना प्याज मैं ऐड कर दे रही हूँ और सारी प्याज आप ऐड कर दे हाथों से अच्छी तरीके से, मसाला कोई भी आपको वेस्ट नहीं करना है ठीक है। हाई फ्लेम रखें और प्याज को है ना ज्यादा ब्राउनिश नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है ताकि प्याज का जितना पानी है ना ऑयल में पूरा जल जाए और प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसे 2 से 4 मिनट लगेगा अच्छे से फ्राई होने, तो इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्याज मेरी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है रेडी। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा, उसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी अखा गरम मसाला यूज नहीं करना है और भी इसे बस 1 से 2 सेकंड के लिए कर करना है, तेल में फ्राई कर लेना है ताकि जो ना गरम मसाला की जो खुशबू है ना तेज पत्ते और जीरे की वो अच्छे से तेल में आ जाए। उसके बाद हम यूज करेंगे इसके अंदर चॉप किए हुए 4 बड़े साइज के टमाटर, मैंने इसे एकदम बारीक फाइन चॉप की हूँ। बस इसी तरीके से क्या करना है आपको बारीक चॉप करना है और फिर आपको इसे प्याज में ऐड कर देना है। तो इसे क्या करना है आपको बारीक चॉप के टमाटर को ऐड कर देना है और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ठीक है। और अब इसी के साथ साथ आपको सारे मसाले भी ऐड करते जाने हैं। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हल्दी, 1/2 चम्मच आपको जो है ना हल्दी पाउडर इसमें यूज करनी है, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ी सी हल्दी यूज करनी है। इसमें आप हल्दी यूज कर दे, फिर इसके अंदर आप लाल मिर्ची पाउडर यूज कर दे 1/2 चम्मच के, फिर इसमें आप धनिया पाउडर यूज कर दे और साथ ही साथ इसमें आपको मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है नमक, नमक बिल्कुल नहीं भूलना है, नमक बहुत थोड़ा सा ऐड करना है। अब इसमें 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड की हूँ और नमक बहुत थोड़ा सा ऐड की हूँ बिकॉज ऑलरेडी जो है ना कोफ्ते में नमक है। मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है ताकि मसाले जो है ना मेरे बहुत अच्छी तरीके से भून जाए। तो बस इसे क्या करना है कंटिन्यू चलाते जाना है ताकि टमाटर प्याज सारे जो मसाले मैंने ऐड किए वो बेहतरीन सा जो है ना रेडी हो जाए। मसाला यहाँ पे मेरा भून रहा है, इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच के जितना चिकन मसाला पाउडर और ये देख लो ये मेरा एवरेज का चिकन मसाला पाउडर है ठीक है। यहाँ पे मैंने मेरे पास थोड़ा सा कोरमा मसाला पाउडर रखा था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है ठीक है, अगर आपके पास है तो आप डालो नहीं तो मत डालो, मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास अवेलेबल था। इसे डालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर, ये देखो 1/2 चम्मच के जितना गरम मसाले के बाद डालेंगे 2 चम्मच अच्छा भर के दही ठीक है। दही यूज कर ले आप इसके अंदर, अच्छा फ्रेश दही यूज करना है और अब कुछ भी नहीं जाएगा, बस मसालों को क्या करना है अच्छे से भून लेना है ताकि मसाले जो है ना आपके बहुत अच्छी तरीके से भून जाए। खूब अच्छे से भूनना है कि इसकी तरी जो है ना बेहतरीन तरीके से एकदम निकलना स्टार्ट हो जाए मसालों में से और बेहतरीन सा जो मसाला है ना आपका रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मसाला जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है, अब क्या करेंगे हम इसे ना एक बार अच्छे से चला देंगे, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने आलू ऐड कर देंगे और आलू को ऐड करने के बाद इसे ना ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू जो है ना मसालों में खूब अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि आलू हमने फ्राई तो किए लेकिन वो अभी भी कैसा है थोड़ा सा हल्का हल्का कहीं ना कहीं कसर है। तो इसे ढक देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए क्या करेंगे अच्छे से कुक होने देंगे। तो आफ्टर 5 मिनट बाद यहाँ पे हम जो है ना हमारा आलू चेक कर लेंगे एक बार और इसे एक बार आप हल्का सा मिक्स कर ले, बहुत ज्यादा नहीं मिक्स करना है। ये देखिए मसाला तो बहुत अच्छा भून गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 ग्लास के जितना पानी, बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस 1/2 ग्लास। ये देखिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोफ्ता और इसको बिल्कुल एकदम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए ठीक है, ताकि कोफ्ता जो है हमारा अच्छे से कुक हो जाए। और इस तरीके से आप कोफ्ता ऐड कर दें और एक बार 6 तो आप ना इस तरीके से मिक्स कर ले हल्का ताकि जो है ना कोफ्ता अच्छे से डूब जाए मसालों में, बिल्कुल एकदम फ्लेम जो है ना आपका एकदम स्लो होना चाहिए, ढक दे और 5 से 7 मिनट अच्छा एकदम स्लो फ्लेम पे कुक होने। तो यहाँ पे देखो मेरा जो कोफ्ता मसाला है माशाल्लाह एकदम रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर मैं ना टेस्ट के लिए, बिल्कुल सिर्फ टेस्ट के लिए ना 2 ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ
ताकि इसमें एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मसाला और कोफ्ता जो है बहुत मजे का रेडी हुआ है। अब इसके अंदर हम करेंगे गार्निश। मेरा गैस का फ्लेम मैंने एकदम स्लो पे रखी हूँ। गार्निश के लिए हम यूज करेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी यहाँ पे, इससे बहुत अच्छा जो है ना स्वाद आता है। कस्तूरी मेथी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बहुत थोड़ी सी एक बड़ी वाली ग्रीन चिलीज। ये ना एक सजावट के लिए बहुत अच्छा काम करती है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। इसके लिए मैंने बहुत ये इसकी बिया निकाली हूँ, तो ये बिल्कुल भी ना जो है ना स्पाइसी नहीं है। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सिर्फ सजावट के लिए फ्रेश अमूल की क्रीम, जिसे मैंने प्याली में बहुत थोड़ी सी निकाल ली हूँ। तो उसे बस इस तरीके से जो है ना गैस का फ्लेम ऑफ करके ऐड करेंगे। बिल्कुल आपको गैस का फ्लेम जो है ना ऑफ कर देना है और इस तरीके से डाल देना है। ये सिर्फ एक मैं सजावट के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो ना तो आप दाल भी नहीं डालेंगे, नहीं ना तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। कुल तुम ऐसा मत करा करना मेरी बातों पे। आई नो मेरी बातें थोड़ी थोड़ी सी है ना वो हो जाती है। तो ये इस तरीके से आप ऐड करके डाल दें और माशाल्लाह से फाइनली मेरे जो आलू कोफ्ते मसाले हैं चिकन के वो रेडी हो चुके हैं। और अभी मैं चला के बताऊं कुलसुम जरा सा, तो ये रहा मेरा मसाला कोफ्ते का आलू का, माशाल्लाह एकदम बेहतरीन रेडी हो गया है। मसाला भी जो है मेरा एकदम बेहतरीन सा रेडी हुआ है, यहाँ देख सकते हो आप। इसे ज्यादा नहीं चलाना है वरना क्या हो गया ना जो हमारे कोफ्ते है वो फूट जाएंगे। तो बस मैं आपको बस हल्का सा जो है ना मिला के बता देती हूँ। ये देखिए अभी चलते हैं गर्मा गर्म डिनर इंजॉय करने। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।